हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डायवर्सिटी के बारे में, जो जीवों में विविधता पाई जाती है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दैट इज द टैक्सोनॉमी। किसको डिस्कस करेंगे? टैक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे। हिंदी में कहें तो वर्गीकरण। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे टैक्सोनॉमी जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बनाए, टैक्सिस एंड नॉम्स। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है टैक्सिस का? अरेंजमेंट। एंड नोमोस का मतलब होता है लो। लो मीन्स सिद्धांत, नियम, नियमों का अरेंजमेंट। किसमें होता है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का अर्थ ही यह है कि जो लोग होते हैं उनका अरेंजमेंट इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ, टैक्सोनॉमी है हमारी, इसमें किसकी स्टडी करते हैं? प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। किसका अध्ययन कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन के प्रोसीजर का और सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। जैसे सुनेंगे कि हमारी टैक्सोनॉमी है टैक्सिस और नोमोस से मिलकर बनी है, जिसका मतलब होता है टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट और नोमोस लो, मतलब लो का अरेंजमेंट ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो टैक्सोनॉमी है इसके अंदर जो हम अध्ययन करते हैं, जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण बोलते हैं, तो वर्गीकरण के जो सिद्धांत होते हैं, उसके जो प्रोसीजर होते हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, वर्गीकरण के अंदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, द वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय, जो वर्ड है टैक्सोनॉमी, इसको जो प्रपोज किया है सबसे पहले वो किसने किया है? उन साइंटिस्ट का नाम है एपी डी कंडोवे। क्या नाम है? एपी डी कंडोवे। इन्होंने सबसे पहले इसको प्रपोज किया है, इसको टैक्सोनॉमी वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इसी में देखेंगे, इन हिज बुक, इनकी पुस्तक है, बुक है, जिसका नाम है थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला ओपनी। ये पूरा इसका नाम है, इनकी बुक का नाम है थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला ओपनी। इसका दूसरा नाम और है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री ओपनी। ये इनकी बुक है जिसमें इन्होंने क्या किया है, जो टर्म है, वर्ड है टैक्सोनॉमी, उसको प्रपोज किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या देखेंगे? टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। जो हमारी टैक्सोनॉमी है, वर्गीकरण है, इसके अंदर किस किस चीज का अध्ययन करते हैं, इसको जानते हैं। तो इस टाइम जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो वो सभी मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख ले। मैं इसी तरह से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूंगा, और आप इसी तरह से देखते रहेंगे, और जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उनके नोट्स साथ के साथ बनाते रहेंगे। और लास्ट में मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज के द्वारा और कुछ पिक्स भेज कर दी, आपका जो ये वर्क है 11th क्लास का वो कंप्लीट कराता। तो आपको ये क्लास जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसको ठीक से देखते रहना, क्लास का मजाकों में नहीं लेना है, ठीक से पढ़ना है। समझ में नहीं आता है तो वहां कमेंट्स बॉक्स में, जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नालिया इंस्टीट्यूट, जो यहाँ पर साइड में लिखा हुआ आ रहा है, और नहीं भी आ रहा हो तो आप जानते ही हैं, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपस में वीडियो को एक दूसरे को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स करेंगे। कमेंट्स इस पे नहीं कर सकते तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर कर सकते हैं, पर्सनली फोन कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना क्या है, हमें टॉपिक को समझना जरूरी है।
तो उसके लिए सबसे पहली बात तो तुम्हें इसे ठीक से मेरे लेक्चर को देखना होगा, ये काम तो तुम्हें करना ही करना है, लेक्चर को देखना है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे आज, हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो टैक्सोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित पॉइंट्स पर तुम ध्यान देंगे इनका, जिनकी स्टडी हमें टैक्सोनॉमी में करनी है, मतलब वर्गीकरण में करनी है। पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन, मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें समझाया था डायवर्सिटी। डायवर्सिटी मतलब जीवों में जो विविधता पाई जाती है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पीला है, इस तरह से कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, तो सभी जीवों में उनकी संख्या में, उनके रंग रूप में, सभी मतलब किसी भी पॉइंट पर देखें तो डायवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। तो सभी जीवों को अगर हमें स्टडी करना है तो हमें उनका वर्गीकरण करना पड़ता है, टैक्सोनॉमी के अनुसार उनका अध्ययन करना पड़ता है। तो क्या करेंगे उसके बाद में आ जाएगा क्या लेकर आया हमें, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। हमें कोई भी जीव मिलता है जिसकी भी साइंटिस्ट खोज करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। अब हमें ले लो घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो 10-5 दिन के बाद ये सोचने लगते हैं सब क्या नाम रखा जाए। जब तक नाम नहीं रखा जाता तब तक हमें अच्छा नहीं लगता, इसका नाम चिंटू रखेंगे या मिंटू रखेंगे, जो भी रखेंगे। तो उसी प्रकार जैसे साइंटिस्ट जो जीवों की खोज करते हैं नए नए उनकी, तो उनका नामकरण करते हैं, उनकी पहचान करते हैं। सबसे पहले नाम रखने से पहले उनकी पहचान करते हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कैसा है, मतलब कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमारा टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण में क्या है, आइडेंटिफिकेशन। सेकंड पॉइंट है हमारा नोमेनक्लेचर, सबसे पहले हमने पहचान की कौन है, कौन हुआ या ये मतलब इसका हम क्या करें, कैसा है, काला है, गोरा है, पीला है, क्या है ये। तो दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, उसे कोई नाम दे देंगे, जैसे बच्चे दे देते हैं नाम, टीचर्स को नाम दे देते हैं, ये सर ऐसे इनका ये नाम रख दो, पिवाले वैसे इनका नाम रख दो, या इस बच्चे का ये नाम रख दो, इस तरह से नामकरण करते हैं। लेकिन हमारी बायो में क्या ऐसे नामकरण नहीं करना दिया, कुछ भी नाम रख दिया, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं बायोलॉजी के जिसके अनुसार हम नाम रखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा नोमेनक्लेचर, नामकरण। अब क्या करेंगे हम, नामकरण करेंगे, मतलब कि पंडित जी को बुलाएंगे, नाम उसका नामकरण करा देंगे, ऐसा नहीं करना है। जो आईसीएमआर के रूल हैं उसके अनुसार साइंटिस्ट क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, उन पद्धति के अनुसार नामकरण करते हैं। जो हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक हमारा सबसे मोस्ट है नोमेनक्लेचर, नामकरण। अगला जो टॉपिक रहेगा मेरा, यही टॉपिक रहेगा नोमेनक्लेचर का, नामकरण का, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा नोमेनक्लेचर है, नामकरण। सबसे पहले हमने क्या करा, जीव की पहचान की, उसके बाद दूसरा काम किया गया, उसका नाम रख दिया। अब तीसरा नंबर आता है क्लासिफिकेशन, अब उसका क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है, मतलब पृथ्वी पर बहुत सारे जीव की खोज जाएगी, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण क्यों जरूरी है। वर्गीकरण एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि हम जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करना, यदि क्लासिफिकेशन हम उनका ना करें तो उनका अध्ययन करना बहुत ही कठिन है, हम इजिली उनका अध्ययन नहीं कर सकते, उनकी स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, जीवों का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हमें ये ले लो, इसमें आते हैं हमारा फाइलम है कोर्डेटा, जो मनुष्य है, हम फाइलम कोर्डेटा में आते हैं। अब कोर्डेटा में और भी आते हैं, जैसे मैमल्स आते हैं, पिसीज आते हैं, और एविस्पीसी में आते हैं, और हमारे रेप्टाइल स्पीसी में आते हैं। तो हमें कोर्डेटा का अध्ययन, जब हम कोर्डेटा का अध्ययन करते हैं तो एक साथ हम इतने सारे जीवों का अध्ययन कर लेते हैं, एक साथ इतने ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन कर लेते हैं, मतलब कोर्डेटा को पढ़कर। तो हुआ ना आसान क्लासिफिकेशन द्वारा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जीवों का क्लासिफिकेशन करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब चौथा नंबर है हमारा, इसमें लास्ट नंबर, एफिनिटीज। इसमें क्या करेंगे, जितने जीवों का हमने पहचान की है और उनके नाम रखे हैं, नोमेनक्लेचर किया है, नामकरण किया है, उसके बाद क्लासिफिकेशन किया है, उनकी विशेषताओं को देखेंगे, उनमें क्या एफिनिटीज होती है, मतलब क्या सिमिलरिटीज है उनके अंदर, क्या डिसिमिलरिटीज है, एक दूसरे से भिन्न है या एक जैसे है, इन सब का अध्ययन हम एफिनिटीज में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना मैंने ये बताया है इसको ठीक से देखेंगे। मैं मानता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार आपको लेक्चर मेरा लेना है, उसके बाद ठीक से बैठ के उसे नोट करना है। तो
तुम्हें सब समझ में आएगा, क्लास में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है तुम्हें उसके लिए रट्टा लगाना पड़ेगा। बायो का एक ही नियम है कि रट्टा नहीं लगाना है। क्या करना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। समझो कि कैसे जो मैं बोल रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ और उसे समझो, रट्टा मत लगाओ। अब जितना मैंने करा दिया है उसको तुम्हें नोट आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लो। बच्चों, अभी हमने देखा टैक्सोनॉमी के बारे में, टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी हम किस किस का अध्ययन करते हैं। तो उसमें हमारा एक पॉइंट था नोमेनक्लेचर। सबसे पहला क्या था, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, पहचान के बाद नामकरण। दूसरा टॉपिक था हमारा नामकरण, नोमेनक्लेचर। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसमें क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी के बाद उसे कोई स्पेसिफिक नेम देना बहुत जरूरी होता है, उसी को हम नामकरण कहेंगे। तो ये नामकरण होता है, पृथ्वी पर, अर्थ सरफेस पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो ये जो नाम होते हैं सभी जगह एक जैसे नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल देखें तो हम एक घरेलू चिड़िया होती है जिसका नाम होता है गोरैया। तो गोरैया को सब जगह गोरैया नहीं कहते। आंध्र प्रदेश में इसे कहते हैं पिच्छू का, और इंग्लैंड में बोलते हैं इसको हाउस स्पैरो, स्पेन में पार्डर बोलते हैं, और होलैंड में बोलते हैं मंच, और जापान में सुगुन के नाम से जाना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई मतलब चिड़िया की बात नहीं है, कोई भी जीव है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, उसका जो नाम है, मान लिया हमारे यहाँ यूपी में कुछ और है तो कहीं और क्षेत्र में चले जाओ तो कुछ और होगा, अब विदेश में चले जाओ तो कोई और हो जाएगा। जैसे मैंने गोरैया का नाम बताया है, होल वर्ल्ड में मतलब इसके नाम अलग अलग तुम्हें देखने को मिलेंगे, मतलब पूरे देश के अंदर ही अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से यदि हम किसी जीव की बात करते हैं, किसी जंतु की बात करते हैं, कहीं अदर स्टेट में जाके या किसी कंट्री में जाके, तो हम बिना उस जीव को दिखाए यदि हम उसे साथ लेके आते हैं तो बता सकते हैं कि हम इसके बारे में बता रहे हैं, वरना हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, इसका कारण ये है कि उसका जो नाम है हो सकता है वहां पर कुछ और हो, तो इसीलिए हमें नामकरण की आवश्यकता पड़ती है, साइंटिफिक नेम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ऐसा नाम होना चाहिए जो ऑल वर्ल्ड में, मतलब पूरा विश्व जो है उसमें एक ही हो। हम एक बार कह देंगे हम अपनी बात है होमो सेपियंस, तो तुरंत कहीं भी कह सकते हैं मनुष्य की बात है, मनुष्य का नाम होता है होमो सेपियंस, तो क्या है साइंटिफिक नेम है। तो इसलिए हमें नामकरण की आवश्यकता है। तो नामकरण के जो खोजकर्ता है, जो नामकरण का पता लगाया सबसे पहले कौन है, कैरोलस लीनियस। इनका नाम पहले कार्ल वॉन बीन था, जो बदलकर बाद में क्या कर लिया था, कैरोलस लीनियस। तो ये क्या है, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने क्या किया, जीवों के साइंटिफिक नेम दिए, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। तो दुई नाम क्या हिंदी में कहेंगे, तो नामकरण जो है शुरू से देखेंगे, नामकरण नोमेनक्लेचर को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दूसरा है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब कि द्वि नाम पद्धति कह सकते हैं बाइनोमियल, द्वि नाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति, ये नामकरण से संबंधित पद्धतियां हैं। तो द्वि नाम पद्धति जो दी है, जिसने दी है, जो फर्स्ट नंबर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये दिया है कैरोलस लीनियस सर ने। इन्होंने जीव के दो नाम रखे, मतलब जीव के दो नामों को मिलाकर एक नाम रखा। वो कैसे रखा, एक तो उसके उन्होंने जेनेरिक नेम को लिया, जेनेरिक नेम मतलब उसके जीनस को लिया, और दूसरा उसका स्पीसीज को लिया, मतलब स्पेसिफिक नेम को लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जीनस और स्पीसीज को मिलाकर
इन्होंने एक नाम बनाया जिसको साइंटिफिक नेम कहा गया, वो है एग्जांपल जिसे इधर लिखा हुआ है, देखो कैट बिल्ली, बिल्ली का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेलिस डोमेस्टिका। तो इसमें जो फेलिस है ये क्या है, जीनस है। जिसे फेलिस लिखा हुआ है क्या है, जीनस है, और डोमेस्टिका क्या है, स्पीशीज है। मतलब फेलिस जीनस और डोमेस्टिका स्पीशीज, तो इन्होंने जीनस और स्पीशीज को मिलाकर नाम बनाया जिसको साइंटिफिक नेम कहा गया। इसमें क्या है, जीनस और स्पीशीज है। फेलिस क्या है, इसका जेनेरिक नेम जोड़ा गया है, और डोमेस्टिका क्या है, डोमेस्टिका क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट कहेंगे या नेम कहेंगे। इसी प्रकार डो का देखेंगे, डो की मतलब डो, कैनिस फैमिली एरिस, कैनिस क्या है, इसका जीनस है, वंश है, और फैमिली एरिस क्या है, इसकी जाति स्पेसिफिक, इन दोनों को मिलाकर नाम बनाया है। कहने का मतलब ये दो नामों वाली पद्धति, बाई का तुम्हें मीनिंग ही समझ में आ रहा होगा, से क्लियर होगा, बाई बाई मीन होता है दो, नोमिनल नोमेनक्लेचर, दो नामों वाला नोमेनक्लेचर जिसमें दो नाम जोड़े गए हैं, ठीक है। तो दो नाम वाला नोमेनक्लेचर हो गया, दो ही नाम पद्धति, किसी ने भी कैरोनियल समझ। दूसरी बात बात कर रहे हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की, मतलब नाम पद्धति। बाद में क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने देखा, साइंटिस्ट है कि कभी कभी ऐसा होता है अलग अलग वातावरण में रहने के कारण जो जीव होते हैं उनमें कुछ अंतर आ जाते हैं, और ये अंतर इतने होते चले जाते हैं, एक कंडीशन ऐसी आती है कि उन्हें अलग अलग उनके लिए क्लास बना दिया, अलग उनके लिए स्पीसीज बना दी जाती है। मतलब इतनी विभिन्नताएं उनके अंदर, इतने अंतर उनके अंदर आ जाते हैं, तो उनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है, उनके लिए सब स्पीसीज बना दी जाती है। तो क्या करते हैं, इसीलिए हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा उनका नाम रखते हैं। कैसे करते हैं, सुनेंगे ध्यान से। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिकों ने देखा कि कभी कभी अलग अलग एनवायरमेंट में रहने के कारण एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में कुछ भिन्नता आ जाती है, मतलब कुछ उनमें भिन्नता आ जाती है। इस कंडीशन को मतलब इस प्रॉब्लम को देखने के लिए वैज्ञानिकों ने इसको दूर करने के लिए मतलब क्या किया, सब स्पीसीज के नाम को भी स्पीसीज के साथ जोड़ दिया। मतलब क्या किया उन्होंने साइंटिस्ट ने, जो हमने नाम दिया था यहाँ पर जीनस और स्पीसीज मिलाकर उसमें सब स्पीसीज को जोड़ दिया। तो क्या हो गया नाम, तीन नाम जुड़ गए उसमें। इधर देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ ध्यान से देखेंगे, होमो सेपियंस सेपियंस किसका नाम है, ये आधुनिक मानव का जो अब बालक मानव है मनुष्य, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस, एक दो तीन, होमो एक सेपियंस दो और दूसरा सेपियंस तीन, तीन नाम मिलाकर एक नाम बनाया गया होमो सेपियंस सेपियंस। तो किसके अंतर्गत आता है, त्रिनाम मुक्ति के अनुसार अकॉर्डिंग टू ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होमो सेपियंस सेपियंस। होमो क्या है, इसमें जीनस है, सेपियंस क्या है, स्पीसीज है, और एक सेपियंस और लिखा है क्या है, सब स्पीसीज। तो क्या हुआ है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हमने आज देखा नोमेनक्लेचर के बारे में, फिर से देख लेते हैं नोमेनक्लेचर इसके फाउंडर, नोमेनक्लेचर कितने टाइप है, दो, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बाइनोमियल को किसने दिया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कैरोलस मेनियस ने दिया है, और इन्होंने जीव के दो नाम रखे हैं जीनस और स्पीसीज को मिलाकर जिसको साइंटिफिक नेम कहा गया। और इनकी बात करें तो लीनियस सर की, कैरोलस लीनियस फाउंडर ऑफ बाइनोमियल साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब इन्होंने क्या किया, किसके फाउंडर है, प्लांट्स, ये प्लांट्स गलत दिखा रहे हो बच्चों, आप देख रहे हो बहुत देर से यहां पर गलत लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लेंगे, प्लांट्स अब ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के इन्होंने साइंटिफिक नेम दिए। इन्होंने जो नेम दिए प्लांट्स के जो साइंटिफिक नेम दिए, मतलब बोटनिकल नेम बोलेंगे उनको, बोटनिकल नेम जो दिए वो इनकी बुक में किसमें लिखे गए, स्पेसीज प्लांटेरियम, इनकी बुक का नाम है स्पेसीज प्लांटेरियम। ये इनकी प्रकाशित हुई थी 1 मई 1753 को, इससे पहले जितने भी प्लांट्स के नाम थे नेम थे वो मान्य नहीं है, जो इसके बाद के इस तरह से बात के, मतलब की 1 मई 1753 की बात के जितने भी बोटनिकल नेम है उन्हें ही आज मान्यता मिली हुई है। इसी तरह से उन्होंने एनिमल्स के नाम दिए, तो उनको क्या बोलेंगे, जूलॉजिकल नेम,
ये इनके कौन सी बुक में लिखे गए, किसने प्रकाशित हुए, सिस्टम ऑफ नेचर। यहां देखेंगे नेचर नहीं लिखा हुआ है, नेचर लिखा हुआ है। तो ये कब प्रकाशित हुई थी, फर्स्ट मई, मई नहीं सॉरी मई बोल दिया मैंने, फर्स्ट अगस्त 1758। इसका 10th एडिशन था जिसमें एनिमल्स के साइंटिफिक नेम इन्होंने दिए हैं, और इस डेट से पहले जितने भी एनिमल्स के नेम हैं उनको मान्यता नहीं दी जाती। तो एक आपको शॉर्ट में लिखा हुआ कहीं कहीं मिल जाएगा इस तरह से, ICBM एंड ICZM, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म देखेंगे क्या होती है। ICBM का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्या कहेंगे ICBM को, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब यहां पर दूसरी बात गई, मतलब ये हो गया। तो ICZM को मतलब देख लेंगे कहीं, ये बेचारा बीच में फंस जाएगा दिखाई नहीं देगा। तो ICBM का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये तभी इसके साथ जोड़ दो इसे, मैं अलग से समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे इसके क्या क्या मैंने अलग से बताया, इसके साथ का नहीं, साथ में इसके साथ ज्वाइन कर दो, ऐसा नहीं करना है। गलती करने की कभी कभी हमें आदत सी हो जाती है, तो हमें आदत नहीं रखनी है, बहुत ध्यान से काम करना है, बहुत अच्छे से करना है। अब देख लें ICZM का क्या होगा, ICZM का मतलब क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, ICIC इंटरनेशनल हो जाएगा, सी से कोड हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जेट की क्या बताएंगे, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सिंपल सा है, सिर्फ क्या चेंज होगा, जेट इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ बदला है क्या, इसकी जगह जूलॉजिकल है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमने ये नाम देखे हैं बाइनोमियल ट्राइनोमियल, क्या हम वैसे ही रख देते हैं, मतलब कुछ भी रख दिया अपनी मर्जी से, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको हम इसके बाद पढ़ेंगे, जिनको बोलते हैं हम इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता, जिसके अनुसार हम जीवों का नामकरण करते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। जो ICZM है एंड ICBM है, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार ही हम जीवों का नाम रखते हैं। तो इसके बाद का हमारा टॉपिक क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, इसमें जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर भी आएगा और बॉटनिकल नोमेनक्लेचर भी आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हमें नोट आउट करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। बच्चों हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, जो नामकरण हम करते हैं किस तरह से करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं, जब किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो इस प्रकार किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि जो नाम होता है लैटिन होना चाहिए, लैटिन भाषा में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लैटिन भाषा में होना चाहिए। इसको समझने के लिए पहले किसी का नाम लिख लेते हैं किसी जीव का। यहाँ पे लिखा मैंने मस्का मस्का डोमेस्टिका। लैटिन का मतलब होता है कि कुछ ये तिरछे लिखे जाते हैं, इस तरह से तिरछे लिखे इन्होंने इस टाइप से, वैसे सीधा लिखा जाता है, मैंने कैसे लिखा तिरछे, तो लैटिन भाषा में तिरछे लिखी जाती है इंग्लिश से। तो ये नाम कैसे होने चाहिए, लैटिन भाषा में होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये हुई, और दूसरी बात है इसमें जो जाति का नाम रखते हैं, स्पीसीज का नाम रखते हैं, जो स्पीसीज होती है उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए
सेकेंड होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए सेकेंड। पहले भी जीनस आता है, सेकंड पे क्या आएगी स्पीसी, और थर्ड नंबर पे क्या आएगा सब स्पीसी, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है हमारा जीनस का नाम जो होता है, तो जीनस होता है उसका पहला अक्षर बड़ा होता है, जैसे यहाँ लिखा है मस्का डोमेस्टिका, किसका नाम है ये घरेलू मक्खी का, हाउस फ्लाई का नाम है, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, तो इसमें जीनस का पहला अक्षर क्या है बड़ा है, तो ये हमें कैपिटल लिखना है, इस बात का हमें ध्यान देना है। दूसरी बात, जो स्पीसी है उसका जो पहला अक्षर होता है कैसा होता है स्मॉल लेटर होता है, उसे हमें स्मॉल लिखना है, इस बात को हम ध्यान देंगे कि किस तरह से लिखना है। जब हम उन्हें लिखते हैं नामों को, जब कॉपी में लिखते हैं तो हमें क्या करना है, लिखते टाइम तिरछे तो लिखेंगे ही, नीचे से अंडरलाइन और करेंगे। यदि हम कंप्यूटर पर प्रिंट करते हैं तो क्या करते हैं तिरछे लिखते हैं, वहां पर लाइन नहीं खींचते, तो ये हमें ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी बात हुई कि किस प्रकार से इनके नाम हम लिखते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, हमने सबसे पहले पढ़ा है टैक्सोनॉमी, उसके अंदर हमने देखा टैक्सोनॉमी में क्या क्या लागू करते हैं, उसमें हमने देखा कि सबसे पहले क्या करते हैं किसी भी जीव की पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा नोमेनक्लेचर, जिसको हमने ठीक से पढ़ लिया है, इसमें हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। तो अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो देखेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे हम, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण कैसे होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण है उसके लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है सेकंड पूरा का पूरा यही है कि मतलब जीवों का उसमें वर्गीकरण किया गया है। तो नेक्स्ट उस पॉइंट को हम किसे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा तो वो ऐसा रहेगा कुछ वर्गीकरण से मतलब क्लासिफिकेशन से संबंधित कुछ और बाकी हैं उनको हम पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और ध्यान देंगे कि जो मैंने पढ़ाया ऐसे ठीक से नोट करेंगे कॉपी में और समझेंगे, और ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देंगे जिससे कि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको ग्रुप में ये देखना नहीं पड़ेगा कि सर ने मैसेज भेजा है नहीं भेजा है, कुछ वीडियो डाली है या नहीं डाली है, सब्सक्राइब होगा तो नोटिफिकेशन खुद ब खुद चला जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।